Bryophytes. Bryophytes are divided into two, liverworts and mosses, growing moist, shady areas in the hills. Bryophytes को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, liverworts एंड mosses में. कहाँ ग्रो करते हैं? शेडी एरियाज इन द हिल्स. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स लिव ऑन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस कहलाते हैं प्लांट किंगडम पे, क्योंकि ये रहते तो सॉइल पर हैं लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन पेयर रॉक्स एंड सॉइल. इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स. ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट है इनका स्ट्रक्चर. ये किससे अटैच्ड होते हैं? सबस्ट्रेटम से. किसकी हेल्प से? बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स. दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स. मेन बॉडी पार्ट इज हैप्लॉइड. दे फॉर्म गैमेट्स कॉल्ड गैमेटोफाइट. तो गैमेटोफाइट क्या है? मेन बॉडी पार्ट हो गया इसका. मेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम. कैसे होते हैं? बायोफ्लैजिलेट एंथ्रोइड एंथ्रोजॉइड्स. मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम. दे फॉर्म बायोफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स. ये क्या हैं? स्पोर्स हैं. कहाँ रिलीज होते हैं? पानी में. फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम कहलाता है. आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन. इनके पास क्या होता है? सिंगल एग. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम अपने स्पोर्स को पानी में रिलीज कर देता है. एंथ्रोजॉइड्स आर स्पोर्स रिलीज्ड इन वाटर एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सिंगल सेल. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म जायगोट. डू नॉट गो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. बट जायगोट में रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं होती है. जायगोट फॉर्म स्पोरोफाइट. सम स्पोरोफाइट सेल्स जायगोट स्पोरोफाइट्स बनाता है. स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं और दे फॉर्म हैप्लोइड स्पोर्स कॉल्ड गैमेटोफाइट. स्फेगम अ मॉस. स्फेगम क्या है? स्फेगम ये क्या चीज़ है? मॉस का एग्जाम्पल. यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकिंग इन लिविंग मटीरियल बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसकी कौन सी क्वालिटी होती है? वाटर को होल्ड करने की. ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल और लिविंग मटीरियल को पैक करने में भी इसका यूज़ होता है. मॉसेस प्लस लाइकेंस. मॉसेस लाइकेंस के साथ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? दे कॉलोनाइज ऑन रॉक्स और उसको क्या करते हैं? रॉक को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं. जब रॉक डिकम्पोज करने लगता है विच इज़ हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. यानी जब मॉसेस एंड लाइकेंस आपस में मिलकर के रॉक को डिकम्पोज करने लगती है तो ये कंडीशन क्या होती है? सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट. मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल. अब मॉसेस क्या करते हैं? मैट क्या करती है? मैट मतलब दरी बिछा दिया एकदम, है ना. तो मॉसेस क्या काम करती हैं? सॉइल के ऊपर डेंस मैट्स की तरह काम करती हैं
जिसकी वजह से जो हैवी रेनफॉल होता है उनका इफ़ेक्ट नहीं हो पाता और मिट्टी गल के अलग टूटकर नहीं बह पाती। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द फॉलिंग रेन इम्पैक्ट। तो ब्रायोफाइट्स की जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है लिवरवर्ट्स, अब हम वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे। लिवरवर्ट्स ऑल्सो कॉल्स ब्रायोफाइट्स हेपेटिकोप्सिटा ग्रो इन मॉइस्ट शेरी हैबिटेट्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, एग्जाम्पल मर्चेंटिया। द थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेज्ड टू द सबस्ट्रेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ गैम दो तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से और फॉर्मेशन ऑफ गैमी। गैमी क्या चीज़ है? गैमी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो ग्रीन इन कलर है, मल्टी सेलुलर है। गैमी एसेक्सुअल बर्ड्स हैं विच डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स। गैमी क्या बनाते हैं? गैमा कप्स। गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमी का फॉर्मेशन होता है। ये गैमी कुछ टाइम बाद पेरेंट सेल से डिटैच्ड हो जाती है, अलग हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोरोसाइट में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, यानी स्पोरोसाइट डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किस किस में? फुट में, सेटा में एंड कैप्सूल में। फुट, सेटा, कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल। दीज स्पोर्स फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉसेस ऑल्सो कॉल्ड ब्रायोप्सिडा। द गैमेटोफाइट ऑफ मॉसेस कंसिस्ट टू स्टेजेस। जो मॉसेस के गैमेटोफाइट्स हैं उनकी दो स्टेज होती हैं, पहली प्रोटोडीमा स्टेज, दूसरी लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या हो रहा है? डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। लीफी स्टेज क्या है? डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज lateral bud having upright slender axis bearing spirally arranged leaves। मॉसेस के पास दो स्टेज हैं गैमेटोफाइट्स की, प्रोटोनीमा स्टेज, लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कैसे डेवलप होती है? एज अ lateral bud having upright slender axis and spirally arranged leaves। Second point, they are attached to soil through multicellular and branched rhizoids। Liverworts में multicellular rhizoids थे, लेकिन mosses के केस में multicellular भी हैं और branched भी हैं। This stage bears the sex organ। जो mosses की ये stage होती है उसके पास सेक्स ऑर्गन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। या तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा या सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बडिंग हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? दो होंगे, मेल एंड फीमेल। मेल होगा एंथ्रीडिया, मेल फीमेल होगा आर्किगोनिया। मेल होगा एंथ्रीडिया, फीमेल होगा आर्किगोनिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा
जायगोट फॉर्मेशन होगा। ये जायगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट्स बनाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट्स किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा, फुट सेटा एंड कैप्सूल में। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है, आफ्टर मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन होती है। ये स्पोर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट्स। ये जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेकम। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजिस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोइम। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास क्या है, जाइलम एंड फ्लोइम। दे इंक्लूड होस्टेल एंड फर्न्स फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। कैसे यूज होते हैं, मेडिसिनल पर्पस से एंड ऑल्सो यूज इन एज अ सॉइल बाइंडर्स। मेन बॉडी पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स प्लांट इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। मेन बॉडी प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट, किस में डिफरेंशिएटेड है, ट्रू रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। द लीव्स आर स्मॉल इन सेलिजिनेलिया और सेलिजिनेला और लार्ज एज इन फर्न्स। सेलिजिनेला के केस में लीव्स स्मॉल है, फर्न्स के केस में लीव्स लार्ज हैं। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरोजिया दैट आर सबटेंड बाय लीफ लाइक अपेंडिजेस कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स के पास क्या है, स्पोरिनजिया। इन सम केसेस सेलिजिनेला इक्वेस्टम स्पोरोफाइट्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। स्पोरोफाइट्स के पास क्या है, स्पोरिनजिया है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में लाइक सेलिजिनेला के केस में हो गया, इक्वेस्टम के केस में हो गया, स्पोरोफाइट्स के पास एक अलग सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। स्पोरिनजिया प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरिनजिया कहाँ प्रेजेंट थी, स्पोरोफाइट्स में। स्पोरिनजिया क्या बनाता है, स्पोर्स। कैसे, बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर थैलोइड प्रोथेलस। स्पोर्स क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर थैलोइड एंड प्रोथेलस स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया मेल स्ट्रक्चर होता है, आर्किगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर होता है। गैमेटोफाइट के अंदर ये दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म। जायगोट बन जाता है, फिर जायगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट्स। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड। कुछ टेरिडोफाइट्स सेम साइज के स्पोर्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं होमोस्पोर्स। इन सेलजिनेला एंड सेल्विनिया टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर्स आर नोन।
इसमें सिमिलर साइज था तो होमोस्पोरस हो गया, इसमें डिफरेंट साइज है, एक छोटा एक बड़ा, तो ये क्या कहलाएगा? हेटरोस्पोरस। मेगास्पोर कौन होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट्स। जायगोट से लेकर के यंग एम्ब्रियोज तक की डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर होती है। देयर आर फोर क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट सिलोप्सिटा, सेकेंड लाइकोप्सिटा, थर्ड फिनोप्सिटा, फोर्थ टेरोप्सिटा। सिलोप्सिटा का एग्जाम्पल सिलोटम, लाइकोप्सिटा का एग्जाम्पल सिलिजिनेला एंड लाइकोपोडियम, फिनोप्सिटा का एग्जाम्पल इक्वेसिटम, टेरोप्सिटा का एग्जाम्पल ट्रायोप्टेरिस टेरिस एडाइंटम। टेरिडोफाइट इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।